डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अमेरिका की जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया है, रिपब्लिकन की सत्ता में हो रही है और नए राष्ट्रपति के रूप में अब डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभाल रहे हैं और इसके साथ ही लाइमलाइट में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथी यानी अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वांस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जेडी वांस उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, इसके साथ ही लाइमलाइट पर आ गई हैं। जेडी वांस की पत्नी उषा वांस जो कि भारतीय मूल की हैं और उनका भारत मूल का होना ही जेडी वांस का भारत से कनेक्शन जोड़ता है। जेडी वांस उपराष्ट्रपति बन सके, डोनाल्ड ट्रंप जीत सके, इसे लेकर भारत में पूजा अर्चना भी की गई और सबसे ज्यादा जेडी वांस के ससुराल में इसे लेकर उत्साह देखने को मिला। ट्रंप और वांस 5 नवंबर को हुए चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल कर चुके हैं, बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही उषा वांस बन गई हैं सेकंड लेडी, यानी उपराष्ट्रपति की पत्नी। सेकंड लेडी का दर्जा उपराष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की थी और अब उपराष्ट्रपति तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। वैसे पहली भारतीय अमेरिकी होंगी जो उपराष्ट्रपति की पत्नी के तौर पर अमेरिका में अपनी पहचान को स्थापित कर रही है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति के लिए जेडी वांस का नाम सामने आया था। जेडी वांस ने 2014 में उषा वांस से शादी की थी। उषा एक बेहद पढ़ी लिखी महिला है, वह सैन डिएगो में पली बड़ी, उनके मित्र उन्हें किताबी कीड़ा बताते हैं। उषा 2014 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी, उन्होंने येल लॉ स्कूल से स्नातक किया और वह दीवानी मुकदमों की वकील है। बता दे डोनाल्ड ट्रंप ने वांस को उपराष्ट्रपति पद के लिए जैसे ही उनके नाम की घोषणा की, जैसे ही वांस परिवार सुर्खियों में आ गया। बड़ी बात यह है कि जेडी वांस और उषा वांस ने पारंपरिक तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी भी की थी। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में लिखा था कि लंबा विचार विमर्श करने के बाद मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने साथी का नाम चुन रहा हूं। बात अगर उषा मास की करे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के क्लर्क के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। येलो स्कूल में पढ़ाई के दौरान उषा और वांस की मुलाकात हुई थी। उषा के डीएनए में ही पढ़ाकू होना था, उनके परिवार का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। बता दे उषा के पिता राधा कृष्ण और महालक्ष्मी 1980 के दशक में अमेरिका में आकर बस गए थे। राधा कृष्ण पिता सी रामा शास्त्री के सबसे छोटे बेटे हैं। उषा के दादा शास्त्री के छोटे भाई डॉक्टर चिलुकुरी सुब्रमण्यम शास्त्री आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में तेलुगु विभाग के प्रोफेसर पद से रिटायर हुए। वहीं उनकी पत्नी प्रोफेसर चिलुकुरी संता फिजिक्स की प्रोफेसर हैं। वो 96 साल की हैं और आज भी 140 किलोमीटर का सफर पूरा कर वो फिजिक्स पढ़ाने विजयनगरम जाती हैं। उषा का परिवार पूरी तरीके से भारत को समर्पित रहा है और 1980 के दशक के बाद से वो जब अमेरिकी हो गई तो आज उनके पूरे रहन सहन और ढंग से वो साफ झलकता है, लेकिन फिर भी उनका भारत के साथ कनेक्शन भारत को अमेरिका से जोड़ता है। यही कारण है कि आज भी जब उपराष्ट्रपति पद के लिए वांस परिवार आगे था तो वांस की जीत के लिए आंध्र प्रदेश में प्रार्थना की जा रही थी।